आज की बड़ी खबर यह है कि मनी नाइन का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कीजिए। क्यों कीजिए, आज उसकी आपको एक और खास वजह मैं बताता हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि लोग अगर आपसे कहते होंगे कि आप बचत कीजिए, आप खर्चा कम कीजिए, तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा। कई बार आपने लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि अरे ठीक है यार, अगर इतना नहीं बचाएंगे या इतना बचा लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, कोई भी अमाउंट रखिए, अगर आप इसकी हर महीने बचत करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो म्यूचुअल फंड में सिप करके कर सकते हैं, ये हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 100 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये की सिप अगर हम कुछ वर्षों तक करें और उस पर 12 से 15% जो रिटर्न आम तौर पर म्यूचुअल फंड निवेशक बताते हैं वो किया जाए तो कितना पैसा मिल जाएगा, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये कैलकुलेटर, सिप कैलकुलेटर सामने आप देखिए, कितना अमाउंट आप बचाना चाहते हैं उसमें वो लिखिए, रिटर्न आप 12 से 15% तक कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप लिखिए, सबमिट कर दीजिए बस ये जानकारी, और देखिए मनी नाइन का ये खास कैलकुलेटर आपको क्या बता रहा है। ये बता रहा है सबमिट करते ही कि आपको टोटल कितनी वैल्यू मिलेगी, टोटल आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, इस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अब आपके हाथ में मोबाइल ऐप है तो आप अपना मनपसंद अमाउंट डालिए, अपना मनपसंद कितने साल के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं उतने वर्ष डालिए, 12 से 15% के आसपास का रिटर्न रखिए, और इस कैलकुलेटर से अपनी गोल प्लानिंग को आप आसान कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपको अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजना है, बेटी की शादी करनी है, आपको घूमने जाना है, आपको घर खरीदना है आज से 10 साल बाद। अब आपने सोचा कि ठीक है यार, आज से 10 साल बाद मुझे से इतना पैसा चाहिए, से 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, कैलकुलेट करके देखता हूँ, अगर 15,000 रुपये मैं 12% के हिसाब से बचाऊँगा, 20 साल बचाऊँगा तो हो जाएगा? आपको पता चला कि हाँ हो जाएगा, या कम रह जाएगा तो आप अमाउंट बढ़ा लीजिए, ज़्यादा हो जाएगा तो आप उस अमाउंट को कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप इससे अब निर्णय ले सकते हैं, गोल प्लानिंग के लिए कैलकुलेटर आपको बहुत मदद करेगा। कल मैंने बताया था आस्क द एक्सपर्ट के बारे में, आज बताया सिप कैलकुलेटर वाले में। हर रोज आपको इस ऐप से जुड़ी एक ऐसी खास, एक अनोखी, एक अभिनव बात बताऊंगा जो आपको पसंद आएगी। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कीजिए, और हर रोज सीखिए, समझिए कि इस ऐप का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत कुछ बाकी है।